हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आपका पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रोड विभव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा और इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप रोजाना क्लास 12th NCERT की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोड विभव का चित्र बनाना होगा। दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रोड विभव के चित्र बना लिए हैं। मैंने इलेक्ट्रोड विभव के दो चित्र बनाए हैं। कितने चित्र बनाए हैं? दो चित्र बनाए हैं और आपको ये दोनों चित्र ध्यान से समझने हैं। पहले तो आपको पहला वाला चित्र ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैंने इस चित्र में क्या करा है? मैंने इस चित्र में एक धातु की छड़ ली है। क्या लिया? धातु की छड़ ली है। और दोस्तों, मैंने एक बर्तन में लवणीय मिलन लिया है। क्या लिया है? लवणीय मिलन लिया है। और दोस्तों, जब मैंने धातु की छड़ को उसी के लवणीय मिलन में डुबाया तो दोस्तों, जब ये धातु की छड़ इस मिलन से स्पर्श हुआ तो दोस्तों, धातु की छड़ और लवणीय मिलन के बीच में एक विभव उत्पन्न हुआ। दोस्तों, यहाँ विभव उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? एक विभव उत्पन्न हुआ जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले चित्र में धातु की छड़ को लवणीय मिलन से स्पर्श करके दिखाया। दोस्तों, मैंने दूसरे चित्र में धातु की छड़ को लवणीय मिलन में डूबते हुए दिखाया। दोस्तों, आपको एग्जाम में इलेक्ट्रोड विभव का चित्र नहीं बनाना है। ये चित्र तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बना के दिखाया था। आपको सिर्फ एग्जाम में परिभाषा और सूत्र लिखना है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पर। तो दोस्तों, आपको लिखना है, जब किसी धातु की छड़ को उसके अपने लवणीय विलयन में डुबाते हैं तो धातु की छड़ तथा विलयन के संपर्क तल के मध्य एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसे ही धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे निरूपित करते हैं। दोस्तों, मैंने इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा में वही शब्द लिखे जो मैंने आपको चित्र में समझाए थे। आपको इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा इसी तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव के सूत्र पर कि इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र होता है ई बराबर एनोड प्लस कैथोड। क्या होता है? ई बराबर एनोड प्लस कैथोड। तो दोस्तों, ये होता हमारा इलेक्ट्रोड विभव का सूत्र। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें तथा कोई परेशानी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।